नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने गुरुवार को नैनीताल रोड स्थित मधुबन बैंकेट हॉल में होली मिनल समारोह आयोजित किया। होली मिनल समारोह में मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला सहित कई अधिकारियों और पत्रकारों ने शिरकत की। इस दौरान लोक गायिका दीपा नगरकोटी और विजय मेहता ने होली के गीतों से सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनल कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सुबह से ही मेडिकल कॉलेज में 700 उपनल कर्मचारी अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि हर बार उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है, इसलिए उन्हें मजबूर होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ा। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से सुशीला तिवारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफी असर पड़ा है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ सफाई कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय समस्याओं को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहा है। सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन के नायक सफाई कर्मचारी की प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। जबकि एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति में था, ऐसे समय में प्रदेश का सफाई कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना किसी बीमा पॉलिसी के अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश और प्रदेश की सेवा में डटा रहा, लेकिन उसको सिर्फ ठेका प्रथा जैसे काला कानून मिला। पानी के कनेक्शन की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व पार्षद शकील सलमानी के नेतृत्व में इंदिरा नगर क्षेत्रवासी जल संस्थान पहुंचे थे, जहां आज बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों ने परिवार सहित अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और अधिशासी अभियंता को 100 रुपये में पानी के कनेक्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। महिला स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बलमूरपुरा में किया गया। गुरुवार को हुए इस कार्यक्रम का आयोजन तरन्नुम बेगम ने किया था। कार्यक्रम में समूह की सभी महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसकी अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा विभाग के पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने की। आजाद नगर वार्ड नंबर 21 में गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 से अधिक लोगों ने जांच का लाभ उठाया। इस जांच शिविर में ओपीडी चिकित्सक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य शिविर कैंप में नेत्र, कान, दांत, बच्चों और महिलाओं के डॉक्टर शामिल रहे। साथ ही कैंप में ब्लड की जांच, शुगर की जांच कर मरीजों को दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशन पर हल्द्वानी पुलिस ने बुधवार को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान मास्क नहीं लगाने पर लगभग 258 लोगों से 46,900 रुपये जुर्माना वसूला गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सब लगे हुए हैं कि किसी तरह कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल कर स्थिति को सामान्य किया जाए, इसलिए अब नैनीताल पुलिस भी कोरोना के नियमों को लेकर अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के नैनीताल परिक्षेत्र के सभी डिपो में नवंबर माह का वेतन आज जारी हो गया है। ये वेतन जारी होने से कोरोना वर्ष में पहली बार मार्च के महीने में एक महीने में दूसरी बार वेतन जारी हुआ है। वेतन जारी होने से कर्मचारी संगठनों के साथ ही कर्मचारियों के चेहरे खिले दिखे। बीते साल रोडवेज में 15 दिन तक ड्यूटी पर रहे कर्मचारियों को अगस्त का पूरा वेतन मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद कोरोना महामारी के कारण जून, जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। एसएसजी कैंपस में चल रही 10 दिवसीय राष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी, अर्पण कार्यशाला और प्रतियोगिता का समापन चित्रकला विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। कार्यशाला और प्रतियोगिता में कुल 75 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 10 सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का चयन किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार शिवानी विश्वकर्मा, नेहा उपाध्याय, पूर्णिमा रौतेला, भावना जोशी, संध्या बडोनी को प्रमाण पत्र के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी का असर अब चुनाव में भी दिखने लगा है, जिसके चलते सल्ट विधानसभा में मतदाता पहली बार ग्लव्स पहनकर वोटिंग करेंगे। मतदाताओं को वोटिंग और रजिस्ट्रेशन पर हस्ताक्षर करने से पहले हाथों में दस्ताने पहनाने होंगे। जब मतदाता पोलिंग बूथ में प्रवेश करेगा तो उंगली पर स्याही लगाने के बाद उसे ग्लव्स दिए जाएंगे। वोट देने के बाद ग्लव्स डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये प्रावधान निर्वाचन आयोग ने
कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से किया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जे जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।